हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चरर डॉक्टर एस एम मुस्तफ़ा काजमी विद माय नेक्स्ट वीडियो ऑन सिविक्स चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज़। हियर वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी एंड हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू बी इन अ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स political party system that are followed all over the world and also the types of governments formed in different countries on the basis of the political parties that are present in the world in different countries. Basically political party kya hoti hai, ab jaise ki hame pata hai पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने पावर को होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट में। दूसरा, इट मोबिलाइजेज वोटर टू सपोर्ट कॉमन सेट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न एंड गोल। बेसिकली क्या कहता है, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, पार्टी के सपोर्टर्स के जो वोटर्स होते हैं, उनको ये क्या कहता है, मोबिलाइज करता है, उनको बढ़ावा देता है कि वो एक सेट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न, जो उनकी सोच है या उनका गोल, जो उनका आने आगे का जो गोल है उस पर जो है उसके हिसाब से अपने आप को उनको सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पॉलिटिकल एजेंडा अपना फिक्स करती है। पॉलिटिकल एजेंडा बेसिकली उसके जो जिन चीज़ों पे इसको वर्क करना है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, और लोगों को उसके लिए वो पर्सुएड करता है बाय क्लेमिंग वाई दे पॉलिसी आर बेटर देन अदर पॉलिसीज़। अब बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज़ को हमेशा अपनी पॉलिसी से कम करके आँकती है और उसके लिए वो उसको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देती है, लोगों को मीटिंग्स करती है, गैदरिंग्स करती हैं, सभाएं करती हैं, उसमें जो है अपने पार्टी के जो तरीके होते हैं, जो उनको करना है उसको वो दूसरों पर महत्व देते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो मीन होती है कि सर लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं और अपना जो बात जो है वो गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं और अपना जो तरीका जो है गवर्नमेंट को बता सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला है लीडर, दूसरे होते हैं एक्टिव मेम्बर्स और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला, पार्टीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन और उसके लिए अपने कैंडिडेट को पुट अप करती हैं। दूसरा, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, कैंडिडेट जो होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स और सपोर्टर ऑफ द पार्टीज़ के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, वो लोग उन उम्मीदवारों को चूज़ करते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है आपका। अब हर पार्टी का अपना डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं। अब वोटर को इनमें से चूज़ करना होता है कौन से प्रोग्राम या पॉलिसीज़ को उसको पसंद करना है, उसको चूज़ करना होता है। डेमोक्रेसी में क्योंकि बहुत डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिनके सिमिलर ओपिनियन होती है, उनको जब एक साथ जब आप ग्रुप कर देते हैं तो वो पार्टी बना लेते हैं। देन पार्टीज़ का उनका काम होता है कि वो डायरेक्शन देना पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। अब जो पार्टी जो इलेक्शन लूज़ करती है वो बेसिकली आपकी अपोजिशन पार्टी बनती है और वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट से हमेशा डिफरेंट वॉइस रखती है, गवर्नमेंट के हमेशा विरोध में रहती है और अपना जो उसको क्रिटिसाइज़ करती है उसकी फेलियर्स के लिए। वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑपोजिशन को मोबिलाइज़ करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देन दे शेप पब्लिक ओपिनियन, वो हमेशा जो है पब्लिक की ओपिनियन, जो पब्लिक की सोच होती है उसको शेयर करते हैं। पार्टीज़ जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, प्रेशर ग्रुप्स का साथ देती हैं और मूवमेंट्स को लॉन्च करती हैं ताकि प्रॉब्लम जो पीपल को फेस हो रही है उसको सॉल्व कर सकें। वो पार्टीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक्सेस गवर्नमेंट को, मशीनरी को और वेलफेयर स्कीम्स को। लोकल पार्टी लीडर जो होता है वो एक्ट करता है लिंक जैसे सिटीज़न और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है।
अब डेमोक्रेसीज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये बेसिकली उनके फंक्शन से क्लियर हो जाता है कि वो किस तरह का फंक्शन वो करते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि डेमोक्रेसीज में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत होती है। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो जितने भी कैंडिडेट एक इलेक्शन में लड़ते हैं जो उम्मीदवार होते हैं वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे मेजर पॉलिसी चेंज के लिए लोगों को, जिसकी वजह से नो वन भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि किस तरह से कंट्री को रन किया जाए। अब क्या होता है, जहाँ पे जो लार्ज सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो वर्कआउट करती है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक एजेंसी बन जाती हैं डिफरेंट व्यूज़ के लोगों को, जो डिफरेंट तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं उनको एक साथ लाने पे, एक जगह पे इकट्ठा करने पे वेरियस इशू पे, और उनको जो है वो गवर्नमेंट को सामने रखने के एक मशीनरी बन जाती है। उनसे क्या होता है, उनके थ्रू जो जितने भी लोगों के व्यूज़ होते हैं वो गवर्नमेंट के सामने हम रख सकते हैं, और गवर्नमेंट को हम ये चीज़ सजा सकते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें करनी हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं उन पे जो हैं उनको हम बेंड डाउन कर सकते हैं। देन आपका आता है पार्टी सिस्टम्स। अब पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप के पार्टी सिस्टम्स यूज़ होते हैं। जैसे तीन तरह के पार्टी सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं वन पार्टी सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ एक पार्टी होती है, और ये ज़्यादातर जो है डेवलप नेशंस में यूज़ होता है जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम, ये भी आपके डेवलप स्टेट्स में होता है जैसे कि कैनेडा, ग्रेट ब्रिटेन। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, ये आपके भारत, पाकिस्तान यहाँ पे यूज़ होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में होता क्या है, इस वन पार्टी सिस्टम में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है। जो अकेली पार्टी होती है वही अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है, और वोटर जो होते हैं उनके पास कोई दो चॉइस, उनके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस होती हैं। पहला, किसी को वोट ना दे। दूसरा होता है यस और नो, कैंडिडेट जो नॉमिनेट किया गया पार्टी के उसके नाम के आगे हम यस या नो लगा सकते हैं। ये पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत पॉपुलर है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में, जहाँ पे कम्युनिस्ट सोच वाले लोग रहते हैं वहाँ पे ये पार्टी सिस्टम बहुत मशहूर है। और कुछ अथॉरिटेरियन रिजीम्स जहाँ पे अथॉरिटी के साथ पूरा रूल किया जाता है वहाँ पे ये चीज़ें लागू होती हैं, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा में। ये सिस्टम जो था वो प्रिवेलेंट था USSR में भी, जब तक कम्युनलिज्म वहाँ पे कोलैप्स नहीं हुआ था तब तक वहाँ पे मौजूद था। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम। बेसिकली पावर जो होता है वो शिफ्ट करता है दो मेजर डोमिनेंट पार्टीज़ के बीच में। इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, इलेक्शन जीतने के लिए विनर को जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स सही होते हैं, लेकिन कोई ये नेसेसरी नहीं कि उसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलने चाहिए, बस दूसरे से ज़्यादा मिलने चाहिए। जो स्मॉलर पार्टी होती है वो बेसिकली यूजुअली क्या करती है, वो मर्ज हो जाती है बिगर पार्टी से, या फिर वो अपने आप को इलेक्शन से बाहर कर लेते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है ग्रेट ब्रिटेन और कैनेडा में, जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी जो हैं वो ज़्यादातर सीट्स जीतती हैं। इस सिस्टम के जो सपोर्टर्स हैं उनका मानना ये है कि इसकी वजह से क्या होता है, डेंजर ऑफ फ्रैगमेंटेशन से बचता है कि छोटी छोटी पार्टीज़ हैं अलग अलग वोट लेके उनको सपोर्ट कर रही, और गवर्नमेंट जो है वो इसमें क्या करती है, वो स्मूथली रन कर सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है। इस पार्टी सिस्टम में क्या होता है, या तो तीन या उससे ज़्यादा पार्टीज होती हैं उनको कैपेसिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें सेपरेटली या फिर इन कॉलिशन। जब कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीतती किसी भी लेजिस्लेटिव असम्बली में तो वो क्या करती है, वो मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो उसके बाद वो क्या करती है, वो सेवरल पार्टीज़ को ज्वाइन करती है और एक कॉलिशन गवर्नमेंट बना लेती है। जो इस सिस्टम के सपोर्टर हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, मोर पॉइंट ऑफ व्यूज जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं गवर्नमेंट में। क्रिटिक्स जो हैं, जो इसको बुरा कहते हैं इस सिस्टम को, वो कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। देन इसके बाद हमारा आता है नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़। इसमें पहला अलायंस,
जब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ जो होती हैं वो मल्टी पार्टी सिस्टम में जब हाथ मिलाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए जब हाथ मिलाती हैं और पावर उनको जीतना होता है, विनिंग पावर, ये इस तरीके को कहते हैं अलायंस या कि फ्रंट। ये अलायंस मिलकर बनाती हैं या एक फ्रंट बनाती हैं। इंडिया में 2004 और 2009 में हमारे पास तीन अलायंस थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। पहला था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम NDA कहते हैं, जिसमें BJP है। दूसरा था द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम UPA कहते हैं। ये बेसिकली मेजर पार्टी थी कांग्रेस, उसने बनाई थी। तीसरा है लेफ्ट फ्रंट, इसमें आपके ज़्यादातर CPI के ग्रुप्स हैं। देन नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिसिपेशन, इसमें लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ की जो पार्टीज़ की है बहुत हाई है इंडिया में। एडवांस कंट्री जैसे कनाडा, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया में बहुत कम है। इसीलिए पीपल इन इंडिया जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत ज़्यादा पास समझते हैं अपने आप को, इसीलिए मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बढ़ गई हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जितनी पार्टी हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन से। जो कमीशन होती है वो हर पार्टी को इक्वली ट्रीट करती है, लेकिन ये कमीशन जो है वो कुछ स्पेशल ऑफर्स फैसिलिटीज़ देती है लार्ज और इस्टेब्लिश पार्टीज़ को, और इसीलिए इन पार्टीज़ को जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है जो रजिस्टर होती हैं उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है और इनको जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। अब कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में हैं, पहली है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आपने सिंबल देखा होगा हैंड। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, इसका सिंबल है लोटस। तीसरी है बहुजन समाज पार्टी, इसकी सिंबल है एलिफेंट। चौथी है मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये बेसिकली आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका आपने देखा होगा एक हैरो होता है और उसके उस पर स्टार होता है CPIM। तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ये सिर्फ सीधा एक हैरो होता है। छठी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसमें आपने देखा होगा जो फ्लैग बना हुआ है उसके सेंटर में आपकी एक वॉच होती है। देन उसके बाद आपका आता है स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। स्टेट और रीजनल पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो आपके किसी स्टेट के में महदूद होती हैं। रीजनल पार्टीज़ को जो है रीजनल नहीं होता होना होता है उनकी आइडियोलॉजी और आउटलुक में। इसमें कुछ पार्टीज़ जो हैं वो बेसिकली सक्सीड हो गई हैं एक स्टेट के अलावा बहुत सारे स्टेट्स में भी सक्सीड हुई हैं। जैसे पार्टीज़ जो हैं समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनमें जो है नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है और सेवरल स्टेट्स में है। दूसरी है सम ऑफ दिस पार्टी लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजो नेशनल फ्रंट जो हैं वो अपनी स्टेट आइडेंटिटी की वजह से वो जानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स रिफॉर्म। क्या क्या दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती हैं और हम उसमें किस तरह से रिफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़, पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसीज़। पहला है पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ पावर कंसंट्रेटेड रहता है। दूसरा, नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, नो कीपिंग ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग नहीं होती और कोई मेंबरशिप की कोई रजिस्टर नहीं रहता है कि कौन किस चीज़ कौन सी पार्टी का मेंबर है। नो इंटरनल और रेगुलर इलेक्शंस, कोई इंटरनल और रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑर्डिनरी मेंबर जो होता है उसको एक्सेस नहीं होता है इंफॉर्मेशन के लिए और इसी वजह से वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। डिसएग्रीमेंट विद लीडर लीड्स टू आउटसाइड ऑफ द पार्टी, अगर आपका लीडर के साथ किसी तरह का डिसएग्रीमेंट है तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन, बेसिकली इसमें क्या होता है लीडर ऑन टॉप के लीडर जो ऊपर होते हैं उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है कि ऐसे लोगों को फेवर कर सकें जो उनके करीब हों या उनकी फैमिली मेंबर्स के करीब हों। दूसरा, टॉप पोजीशन जो है वो इन्हीं फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं ज़्यादातर पार्टीज़ में। तीसरा है बैड फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरा होता है। चौथा, टेंडेंसी जो होती है ये टेंडेंसी जो है पूरे दुनिया में दिखाई दी है, इवन इन द ओल्डर डेमोक्रेसी जो पुरानी डेमोक्रेसीज में उसमें भी ये सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। थर्ड है हमारा मनी एंड मसल पावर, इलेक्शन के वक्त
ये पावर जो है बहुत ज़्यादा विजिबल दिखाई देती है। कैंडिडेट या उम्मीदवार जो कि मनी ज़्यादा ज़्यादा ला सकता है वो नॉमिनेट हो जाता है। रिच पीपल और कंपनीज जो फंड देते हैं उनको उनका पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस रहता है। नेक्स्ट है, पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। पार्टीज़ जो होती हैं वो वोटर को कोई अच्छी चॉइस नहीं देती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस नहीं होते हैं कुछ पार्टीज़ की। जैसे दो पार्टीज़ हैं उनके जो आइडियोलॉजी होती है, सोच जो होती है, तरीका जो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर एक पार्टी कुछ चीज़ को कर रही तो वो दूसरी पार्टी भी उसको डिफरेंट वे में करती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी वजह से इसकी एग्जाम्पल होता है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन की हैं, वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट तरह का चीज़ें होती हैं वो, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन सेम चीज़ों को परोसते हैं। ज़्यादा देन फंडामेंटल प्रिंसिपल में ना वर्क करके ये सेम चीज़ को परोस दिया जाता है। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जिनके जो इकोनॉमिक इश्यूज़ में बिल्कुल सेम चीज़ पर रहती हैं। जो रिफॉर्म्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये सारे चैलेंजेस जब फेस करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे रिफॉर्म आए हैं सिस्टम में। जैसे कुछ रिफॉर्म जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, एफिडेविट रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होती है। कुछ सजेशन भी किए रखे गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स को कि ये चेंजेस लाए जाएँ। जैसे एक लॉ में बनाना चाहिए जिससे जो है रेगुलेट हुए इंटरनल अफेयर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और ये कंपलसरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो रजिस्टर मेंटेन करें और उनके लोगों के बारे में उसको पता होना चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट वीमेंस को देने चाहिए, जैसे कि 1/3 जो है वो वीमेंस को देना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जो है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है पार्टीज़ को मनी, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन देने चाहिए ताकि उनके इलेक्शन के एक्सपेंसेस वो बियर कर सकें। दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर बेटा, यहीं पे हमारा वीडियो फिनिश होता है। अगर आपके पास किसी तरह कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है उसको भी आप लिख सकते हो। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो एंड द ऑडियो ऑफ दिस चैप्टर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर दिस टू दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि आपको आप तक हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें।